अभी एज और एज के बाद एक और कंसेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं सो डैश डैश एज। एज रिलेटिव है, यूज होता है, प्रयोग होता है। अभी हम इसी का चर्चा करेंगे। आप देखिएगा, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं सो डैश 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 एज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सो डैश डैश। हाँ, अब ये भी एज एज के तरह ही है, बस थोड़ा सा कुछ हद तक है। जैसे इसका मैंने सेकेंड पॉइंट माना, इसका भी तुलना जो होता है व्यक्ति वस्तु या जानवर के गुणों की तुलना होती है, के गुणों की तुलना होती है, खास करके निगेटिव सेंस में, खास करके निगेटिव। हाँ, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं होता है, खास करके निगेटिव सेंस में। एक याद रखने का चीज है, सोचने वाली बात है। स्ट्रक्चर इसका ऐसे जा सकता है, सब्जेक्ट प्लस एक्चुअली वर्ब ले सकते हैं हम लोग, नॉट लेना एकदम कंपलसरी है इसमें, प्लस सो प्लस वी वन आ सकता है बीच में एडजेक्टिव के तौर पर, प्लस एस, ये चीजें इसमें प्रचलित है। गौर करना पहले, एस डैश एस और सो डैश एस में क्या फर्क है? तो दोनों सेम है, बस थोड़ा सा का फासला है, बस कि एज और डैश एज वाला का फंक्शन केवल है पॉजिटिव निगेटिव दोनों में लगा सकते हैं आप इसको, लेकिन इसको केवल निगेटिव यूज करना चाहिए, है ना? तो अब हिंदी तो सेम देता है, जैसे मैं उतना ही मोटा हूं जितना कि आप, तो इसने आई एम नॉट निगेटिव देंगे, आई एम नॉट सो फाइट एज, आई एम नॉट सो फाइट एज यू, मैं उतना ही मोटा हूं जितना कि तुम, तो निगेटिव सेंस में मैं उतना मोटा नहीं हूं जितना कि, दोनों सही है, ऐसे बना सकता हूं आई एम नॉट एज फैट एज यू, ये सही दोनों हो रहा है बबुआ। इन अगर कोई लोग ऐसे बना दे इसको, नोट हटा के सो लिखे, लिखता है ऐसे आई एम सो फैट एज यू, तो निश्चित तौर पर सेंटेंस गलत कहलाएगा, क्योंकि सो डैश एज उसी समय आएगा जब यहां निगेटिव आएगा, तब ये पॉइंट एक बना, खबर में आया। राधा उतनी ही नटखट थी जितना श्याम, लिख सकते हैं राधा वाज, तो यहां नहीं थी देंगे, उतनी राधा उतनी नटखट नहीं थी, निगेटिव कर देंगे, चलेगा। राधा वाज नॉट नॉट एज नॉटी एज, यहां सो देंगे नॉटी एज श्याम, इस तरह से निगेटिव के तरह बना सकते हैं आप लोग, है ना? चलिए, ये सेकंड क्लिप हो रहा है, बहुत अच्छा।